तो देखो आज यहाँ पर होता क्या है ना, मैं बहुत दिनों बाद अपने पीसी पर आया था और मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ एक मैच खेल लूं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली एक मैच खेल रहा था और आज मैं एडम लेकर खेल रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था यार जो बंदे टॉप अप नहीं करते फ्री फायर में उनको फ्री फायर खेलने में कैसा लगता होगा। लेकिन मुझे कहां पता था आज का जो मैच है कोई भी नॉर्मल मैच नहीं होने वाला है। इस गेम के अंदर मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई है ना जो कि फ्री फायर के हर एक प्लेयर को जरूर देखनी चाहिए। तो इस मैच के अंदर हम लोग ग्रेवयार्ड पे उतरे थे, उसके बाद हम लोग कटलिस्ट तवा पर आए। तो इतने में यहाँ पर हमें एक बाइक मिलती है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर बाइक चला था, मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। लेकिन जो हमारा तीसरा टीममेट होता है वो हमें बताता है कि बीमा शक्ति पर एक पूरा स्क्वाड है जो कि हमारा इंतजार कर रहा है। अब ये बात मैंने तो सुन ली थी लेकिन जो मेरा दूसरा टीममेट था जो बाइक चला था शायद उसको ये बात सुनाई नहीं आई थी, इसलिए मेरा टीममेट सामने की तरफ मैं जाता रहा। इतने में वो चारों बंदे थे उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। अब यार इतने में मैं सोच ही रहा था यहाँ पर क्या करूं, मेरा जो तीसरा टीममेट था वो भी बोल रहा था वो बस आ ही रहा है। तो मैंने भी उसके आने का वेट करा जब तक हमारा जो दूसरा टीममेट था वो उनसे फाइट कर रहा था और उस बंदे ने यार सामने वाले बंदे को बहुत अच्छी टक्कर भी दी थी। वहां पर एक बंदा उनका नॉक कर दिया था लेकिन तभी सामने की टीम के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी एक साथ फायर करते हैं और यहाँ पर जो हमारा टीममेट है उसको नॉक कर देते हैं। मैं सोच भी रहा था यहाँ पर सामने वाले बंदों के ऊपर मैं फायर कर दूं, इसलिए मैं आगे वाले पेड़ के पीछे जाकर कवर भी लेता हूं और मैं यहाँ पर बस एक मौके की तलाश में था काश सामने वाले बंदे कुछ गलती करें और सामने वाले बंदे को मैं फौरन मार दूं। लेकिन तभी मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ ना, जितने भी सामने बंदे होते हैं ना वो मेरे टीममेट को इमोट दिखा रहे थे। अब ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि यार उस बंदे के पास अगर कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है, अच्छी गन स्किन नहीं है तो सामने वाले बंदे यार उसके साथ मतलब कुछ भी करेंगे, उसको इमोट दिखाएंगे। अब ये तो मुझे पता था अगर मैं सामने वाले बंदों को ऐसे नॉर्मली मारने जाऊंगा तो यार मैं खुद ही मर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा अच्छी लूट नहीं थी। इसलिए मैं जाता हूँ सामने वाले पेड़ के पीछे कवर लेता हूँ और इसके पीछे रुककर मैं सोचा था सामने वाले बंदों को मैं कैसे मारूं। लेकिन यहाँ पर रुककर जब मैंने देखा ना वो लोग मेरे दोस्त के ऊपर कैसे हंस रहे थे, कैसे उसे लॉल इमोट दिखा रहे थे, ये देखकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं बिना कुछ सोचे सामने वाले बंदों के ऊपर फायर कर देता हूं। तो अब यहाँ पर 1v4 सिचुएशन आ चुका है, सामने वाले बंदे को मैंने डैमेज दिया लेकिन यार बंदा नॉक नहीं हो रहा है। फिर यार इसको ओपी वाला हेड मारा लेकिन तब ये बंदा बच गया, तो इसे बॉडी से मार देता हूं। तो चलो यार यहाँ पर एक बंदा तो नॉक हो चुका है लेकिन यार ये क्या, सामने वाले बंदों ने मेरे ऊपर रश कर दिया और यहाँ पर मुझे फायर करने तक का टाइम नहीं मिला। अब यार इन बंदों को मैं क्या बोलूं, देखो यार मुझे भी यहाँ पर इमोट दिखाने लग गए और ये बंदे देखो कैसे मेरे ऊपर भी हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है मैं कोई न्यू प्लेयर हूं, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास कोई अच्छा कैरेक्टर या फिर अच्छी ड्रेस नहीं है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है जिन बंदों के पास अच्छे कैरेक्टर नहीं होते हैं, अच्छे ड्रेस नहीं होते, वो लोग क्यों चाहते हैं कि उनके पास अच्छे कैरेक्टर आ जाए, अच्छे ड्रेस आ जाए, सिर्फ ऐसे बंदों से बचने के लिए जो कि सामने वाले बंदे को नॉक करने के बाद उसे इमोट दिखाते हैं, बस इसलिए क्योंकि उसके पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं होता है। तो इस बार तो इन बंदों ने मुझे नॉक कर दिया लेकिन अगली बार इन बंदों से मैं ऐसा बदला लूंगा ना कि ये बंदे आगे से किसी भी नो टॉप अप प्लेयर को कभी इमोट ना दिखाए। तो यहाँ पर मैं अपने टीममेट से बोल देता हूँ जाए और मुझे वेंडिंग मशीन से रिवाइव कर दे और फिर इन बंदों से मैं ऐसा बदला लूंगा ना जो कि इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो यार अब मुझे समझ में आ रहा है जो भी बंदे फ्री फायर में टॉप अप नहीं करते, जो भी बंदे ऐसे ड्रेस नहीं खरीद पाते हैं, तो यार उनको गेम खेलने में कितनी मुश्किल आती है, उनको फ्री फायर के अंदर कितने ज्यादा डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, उनको फ्री फायर खेलने में कितना गुस्सा आता होगा। तो आज ये फाइट मेरे और उन बंदों के बीच में नहीं है, आज ये फाइट है नो टॉप अप वर्सेस टॉप अप के बीच में। तो इन बंदों को मैं एक बार तो जरूर मार के रहूंगा ताकि यार इन बंदों को समझ में आ जाए जो बंदे फ्री फायर में कैरेक्टर नहीं खरीद पाते, डायमंड नहीं ले पाते, तो वो बंदे भी फ्री फायर को अच्छे से खेल सकते हैं, उनका भी गेम प्ले अच्छा हो सकता है और वो बंदे इनको भी मार सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमें इतना इमोट दिखाया, इसके बाद भी हम लोग इनको इमोट नहीं दिखाएंगे ताकि इन्हें भी पता चल पाए नो टॉप अप प्लेयर जो होते हैं ना सामने वाले बंदों को कभी इमोट नहीं दिखाते। तो यहाँ पर मैं अपने लूट बॉक्स के ऊपर उतरा था, वहां से मुझे स्कार मिल गई और MP5 मिल गई। उसके बाद मैंने अपने टीममेट से बोला मुझे कुछ एमओ दे दे और अगर उसके पास थोड़ी बहुत लूट है तो मुझे दे दे ताकि मैं सामने वाले बंदों को मार सकूं। तो जैसे यहाँ पर टाइम बीत रहा था वैसे हमारा जो जोन था वो भी छोटा होता जा रहा था। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता था जिन बंदों ने हमें इमोट दिखाया है वो बंदे आखिर गए किधर। तो मैं सोचता हूँ जैसे यहाँ पर मेरी लूट पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं उन बंदों को मारने जाऊंगा और इस बार मुझे ध्यान रखना है, मुझे ज्यादा गुस्से में नहीं आना है, सामने वाले बंदों के ऊपर डायरेक्ट रश नहीं करना है। पहले हम लोग एक प्लान बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग सामने वाले बंदों को मारेंगे। तो अभी मेरे पास है AN-94 उसके साथ में UMP और उसके साथ में 3 ग्लूवॉल, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्लूवॉल थोड़ी सी कम पड़ सकती है क्योंकि जब भी मैं पीसी में खेलता हूँ तो मुझे ग्लूवॉल की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जब तक मैं आगे बढ़ रहा था यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है मेरा जो टीममेट होता है वो पीछे से एक एनिमी को स्पॉट कर लेता है, उसके ऊपर गोलियां चला देता है लेकिन वो बंदा नॉक नहीं होता है, वो ग्लूवॉल लगा लेता है। और तभी मेरा दोस्त बताता है वो जो बंदे होते हैं सीधा रश कर रहे हैं और मैंने अपने दोस्त से बोल दिया था हम लोग एक प्लान बनाएंगे, हम लोग घर के अंदर जाएंगे तभी उन बंदों को मारेंगे। लेकिन अचानक से पता नहीं मेरे टीममेट को क्या हो जाता है, वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है, वो बंदों से फाइट करने चला जाता है। मैंने उसको इतना बोला ना भाई रुक जा अभी हम लोग साथ में चलेंगे, सामने वाले बंदों को आराम से मारेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है ना, सामने जितने भी बंदे थे ना वो दोबारा से आते हैं, मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं, उसको दोबारा से इमोट दिखाने लगते हैं। यार मैंने सोच लिया था इस बार तो इन बंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सभी बंदों को एक साथ मार दूंगा और इन बंदों से अपना बदला ले लूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पर होता क्या है ना, जैसा मैंने सोचा था वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाता है। मैं सोचा था इस घर के पीछे मैं कवर लेता, उसके बाद मैं इन बंदों के ऊपर फायर करता, लेकिन यार इतने देर में यहाँ पर जोन आ जाता है यार, इसी वजह से मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बंदे के ऊपर फायर करता हूँ, वो बंदा मुझे देख नहीं पाता है, लेकिन जब मैं ग्लू लगाता हूँ ना तो वो चार ही बंदे मुझे नोटिस कर लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर वेंडिंग मशीन के पीछे जाऊंगा तभी इन बंदों को नॉक कर पाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आज मैं पीसी पर बहुत दिन बाद खेल रहा था, इस वजह से मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो यहाँ पर मेरा एम भी बहुत बार मिस हो रहा था। इतने में यहाँ पर वेंडिंग मशीन के पीछे भी जोन आ जाता है, तो सामने की तरफ मैं ग्लू लगा लेता हूँ। इतनी देर में जो एक बंदा होता है मेरे ऊपर पूरा रश कर देता है, तो इस बंदे को तो मैं हेड मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन जैसे इन बंदों ने पिछली बार करा था ना, ये बंदे सेम वैसे ही करते हैं, ये बंदे अलग अलग आके मेरे ऊपर रश करते हैं और पता नहीं यहाँ पर मेरी सेंसिटिविटी को क्या हो जाता है, बार बार जो मेरा माउस था ना वो इधर उधर हो रहा था, जिस वजह से मेरा एम इन बंदों के ऊपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी मैंने यहाँ पर 3 बंदों को नॉक कर दिया और यहाँ पर बस लास्ट बंदा बचा था, इसको भी मैं मारने वाला था, लेकिन यार तब ये बंदा मुझे एकदम से नॉक कर देता है क्योंकि उस टाइम में मेरी हेल्थ भी बहुत कम थी, उसके साथ में मेरे पास कोई ग्लूवॉल
भी नहीं थी। तो यार इनके तीन बंदे मैंने नॉक कर दिए थे और यहाँ पर मैं अपना बदला भी पूरा लेने वाला था, लेकिन बस इनका एक बंदा बचा था और अगर मेरे पास ग्लू वॉल होती तो मैं उसको भी मार देता, लेकिन यार तब भी इन बंदों की बात समझ में नहीं आ रही है। भाई ये बंदे अभी भी इमोट दिखाए जा रहे हैं और पीछे इनके जितने भी टीममेट थे भाई वो भी आ गए। जो भी बंदे यार फ्री फायर में ऐसा करते हैं ना यार, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बंदे ऐसे गेम को छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी गेम खेले होते यार उसके अंदर ये होता है जो भी बंदा मार के जाए तो भाई वो इमोट ही दिखाने लगता है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मेरे जो टीममेट था वो बोल रहा था लास्ट के टोकन बचे हैं भाई, इस बार में तो इन बंदों को मार नहीं है, अगर इस बार इन बंदों को नहीं मार पाया ना तो भाई हम लोग अपना रिवेंज नहीं ले पाएंगे। ये बंदे जो है दोबारा से सभी बंदों को इमोट दिखाते रहेंगे और इन बंदों का मजा भी नहीं चखा पाएंगे। तो यार मैं यहाँ पर उतरता हूँ नीचे की तरफ में, क्योंकि मैंने यहाँ से देख लिया था वो बंदे अभी भी ऊपर की साइड में है, तो अगर मैं ऊपर उतरता तो वो बंदे हवा में ही मार देते। तो जैसे मैं यहाँ नीचे की साइड में जाता हूँ ना, मुझे यहाँ पर देखने मिलता है वो सारे बंदे ना मेरे टीममेट के ऊपर फायर कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था जोन आने से पहले मैं यहाँ पर एयर ड्रॉप के ऊपर उतर जाऊँ और उसमें से चीजें लूट लूँ, लेकिन यार हमारा लक कुछ ज्यादा खराब निकला, यहाँ पर जो एयर ड्रॉप होता है वो जोन के अंदर आ गया और अब हम लोगों को बिना एयर ड्रॉप के काम चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ नीचे अगर कोई गन पड़ी हुई तो वही उठा लूँ। तो जल्दी जल्दी हम लोग नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही मुझे मिल चुकी है यहाँ पर पैराफेरल। तो यहाँ पर एक गन तो मिल गई, लेकिन यार मैं शॉर्ट रेंज गन और ढूंढ लेता हूँ। तो यार सामने की तरफ एक यूएमपी पड़ी है तो इसको भी उठा लेते हैं। मैं सोच तो रहा था यहाँ पर थोड़ी सी और लूट करूँ, लेकिन यार यहाँ पर ज्यादा सामान नहीं था और ऊपर से जो हमारा जोन था वो भी श्रिंक होता जा रहा था, तो यार मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना था। तो एक बार मैं अंदर जाकर और देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ पड़ा हो, तो यहाँ पर बस 30 ARMO है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से उठा लेते हैं क्योंकि ये था हमारा लास्ट जोन और आपको पता होगा लास्ट वाले जोन में कितनी ज्यादा हेल्थ जाती है। यहाँ पर जो मेरा टीममेट था उसको भी सामने वाले बंदों ने नॉक कर दिया, इसका मतलब अब जो कुछ भी करना है वो मुझे करना होगा, मुझे सामने वाले बंदों को अकेले मारना होगा, मतलब कि आ चुका है यहाँ पर 1v4 सिचुएशन। तो देखो अगर इस बार मैं इन बंदों को मार देता हूँ ना तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जोन था वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो यार इसी वजह से मुझे पानी से नीचे उतरना पड़ा और यहाँ पर बस मैं यही सोचा था कहीं सामने वाले बंदे मुझे मार ना दे, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास कोई भी ग्लू वॉल नहीं थी और मैं यहाँ पर पानी में था जहाँ पर कोई कवर भी नहीं है। तो जैसे मैं पानी से बाहर निकला ना तो मुझे लगा था उन बंदों ने मुझे देख लिया, लेकिन वो बंदे लॉल इमोट दिखाने में इतने मगन हो गए थे कि वो बंदे मुझे देख ही नहीं पाए। तो जल्दी से मैं कोई परमानेंट कवर ढूंढ लेता हूँ ताकि वो बंदे मेरे ऊपर फायर ना कर पाए। कैसे भी कर यार इस बार तो इन बंदों को मारना ही है, वरना यार हमारा पूरा लास्ट जोन आ चुका और मैच भी खत्म हो चुका है और ना ही मेरा टीममेट जिंदा है जो कि हमें रिवाइव दे दे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था आखिर मैं करूँ क्या, क्योंकि जो हमारा जोन होता है वो बहुत ही छोटा हो चुका था और सामने की तरफ में पूरे चार बंदे थे और इस पेड़ के अलावा मेरे पास कोई कवर भी नहीं था। तो अच्छा हुआ कि वैगन ने हमें एक ग्लू वॉल दे दी। तो एक बंदे को तो मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया, तो अभी बचे सिर्फ 3 बंदे। अब जब इन बंदों को मैं मारने जा रहा था ना तो मुझे वहां पर एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। इन बंदों ने पिछले मैच के अंदर मुझे 2 बार मार दिया था, तो ये बंदे अभी मेरे सामने मूवमेंट स्पीड दिखा रहे थे और ये बंदे ठीक से मेरे ऊपर फायर ही नहीं कर रहे थे। इन बंदों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये बंदे मुझे आराम से मार देंगे, लेकिन इन बंदों को क्या पता था इस बार मैं इन बंदों को आराम से मार दूंगा। इस टाइम पे मेरे पास कोई भी अच्छी गन नहीं थी, कोई भी वेस्ट नहीं थी, कोई भी ग्लू वॉल नहीं थी, लेकिन तभी इन बंदों के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने इन बंदों को मार दिया। तो यहाँ पर 3 बंदे नॉक हो चुके, सामने बस एक बंदा बचा है, तो यार इसे भी जल्दी से मैं मार देता हूँ। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। अभी आप लोग बताओ कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करा है। जानता हूँ आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो अभी हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यार यहाँ पर लास्ट बंदा बचा था, इसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरी जो गेम की सेंसिटिविटी होती है वो एकदम खराब हो गई। इसी में यार यही दिक्कत होती है, कभी जो गेम की सेंसिटिविटी होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। लगता है सामने वाले बंदे का नेट जा चुका है, इसे मैं जल्दी से मार देता हूँ और बोया ले लेता हूँ। सामने की तरफ बंदा इसके ऊपर मैं फायर करा और ये बंदे के ऊपर एम मिस हो गया और ये दूसरी बार में लगा इसके हेडशॉट। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है बोया और गाइस यहाँ पर हमने जितने भी नो टॉप अप वाले बंदे होते हैं उन सभी का बदला ले लिया और मुझे लगता नहीं है आज के बाद ये बंदे किसी को भी इमोट दिखाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में किसी से गेम हारेंगे। आप लोग जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था अगर इन बंदों को मैं अकेले मार देता हूँ तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।